1984 सिख नसल कुशी मामले विच केंद्र सरकार दी एसआईटी फिर खुल सकती है। 186 केस सूत्रा दे हवाले तो खबर। सिख जत्थेबंदियां दे नाल ही सियासी पार्टियां ते दंगा पीड़ितां नूं इंसाफ दी आस। एमरजेंसी दे विरोध विच पंजाब विच अज ते कल ब्लैक डे मनाएगी पंजाब बीजेपी। 1975 विच इंदिरा सरकार ने अज दे दिन मुल्क विच लगाई सी एमरजेंसी। पंजाब में जारी है कांग्रेस दा हल्के विच कैप्टन प्रोग्राम। आज फतेहगढ़ साहब के बस्सी पठाना विच लोगों नाल मिलणगे पंजाब कांग्रेस मुखी कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके वधियां आम आदमी पार्टी दीआं सियासी सरगर्मियां। चंडीगढ़ विच अज यूथ मैनीफेस्टो के मुद्दे ते मीडिया नाल मुखातिब होएगी पंजाब डायलॉग दी टीम। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत की तीजी शताब्दी से अज मोहाली विच होएगा शानदार समागम। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल करेंगे प्रोग्राम शिरकत। छब्बी जून नूं रेल मंत्री सुरेश प्रभु चंडीगढ़ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे सोनीपत गोहाना जींद रेल मार्ग का उद्घाटन। स्टेशन नूं सवारण का काम शुरू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का वड्डा बयान। कहा मैं नहीं कदे कहा कि मैं बनांगा हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री। पार्टी आला कमान लेगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे तो करेंगे स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत। 20 शहरों की पहली लिस्ट में पंजाब के लुधियाना का नाम, हरियाणा का फरीदाबाद, हिमाचल का धर्मशाला भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल। पंजाब में जुलाई में चलनगियां पानी में बसा। पंजाब के सैर सपाटा मंत्री सोहन सिंह ठंडल का ऐलान। अमृतसर तो हरीके पत्तन तक 12 किलोमीटर का सफर तय करेगी बस। मोगा की हरमनप्रीत कौर बनी ऑस्ट्रेलिया के पहला बिग बैश क्रिकेट लीग में खेलने वाली पहली भारतीय खिडारी। बीसीसीआई मुखी अनुराग ठाकुर ने दी हरमनप्रीत बधाई। पंजाब के डिप्टी सीएम सरदार सुखबीर सिंह ने ट्वीट कर हरमनप्रीत को दी बधाई।